वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतीक है। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सेकंड लिस्ट के बारे में। सेकंड लिस्ट जो है जारी हुआ है, अपना नाम कैसे चेक करना है उसमें, इस चीज़ को बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि मेरा नाम आया है कि नहीं। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बीआर अंबेडकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी खुल चुका है। उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे। दोस्तों, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाने के बाद दोस्तों UMIS लॉगिन यहाँ पे दिख रहा होगा, UMIS लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे खुल रहा है। UMIS लॉगिन खुलने के बाद दोस्तों हम जाएंगे चेक अप्लीकेशन। यहाँ पर चेक अप्लीकेशन जो दिख रहा है दोस्तों, इस चेक अप्लीकेशन में जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लॉगिन हो रहा है, यहाँ ओपन हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कॉलेज अलॉटेड में दोस्तों अभी भी नॉट अवेलेबल बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट में भी जो है हमारा नाम नहीं आया हुआ है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा दोस्तों, यहाँ पे अवेलेबल दिखाने लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हैं, जो भी डिटेल आपने फिल किया है यहाँ पे पूरी डिटेल जो है दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। जैसे ही जो है यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा, यहाँ पे कॉलेज अलॉट के बाद नॉट अवेलेबल जो दिखा रहा है यहाँ पे, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस जो लिया होगा आपने, उसमें जो है नाम कॉलेज का आ जाएगा दोस्तों, और वहाँ पर फिर आपको जाकर के एडमिशन करना होगा। तो दोस्तों, ये कैसे चेक करना है, ठीक है, ये ना मैंने आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल इसके बारे में बताया। आप जो है इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।